आज मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहुत इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने कही अपने पिछले 3 से 4 मिनट के समय में। उनको अक्सर ज़्यादा बोलते हुए आप नहीं पाएंगे और ज़्यादातर वो अपनी स्क्रिप्ट ही रीड करती हैं, जो जाहिर सी बात है किसी ने दी ही होगी बना के, उनका खुद का लिखा हुआ भी नहीं होता है। हाँ, हो सकता है उनके खुद के विचार हों, तो इस बात के लिए थोड़ी कम जानी जाती हैं, लेकिन जब बोलती हैं अपने मन से तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल जाती हैं जो चर्चा में आ जाती हैं। तो फिर से वही हुआ। मायावती बहुत समय बाद चर्चा में आईं और उन्होंने अपने बयान दिया, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि वो तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, पूरी बसपा और मायावती स्वयं। तो उन्होंने क्लियर कर दिया, भैया हम किसी के न प्रवक्ता थे, न हैं और न भविष्य में होंगे। मैं कांग्रेस को ये बताना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी को, कि BSP न कांग्रेस की प्रवक्ता है रही है कभी, न BJP की प्रवक्ता है, न कभी आगे भविष्य में भी, न कांग्रेस, BJP, अन्य किसी भी पार्टी की प्रवक्ता BSP नहीं रहेगी, स्पोक्समैन नहीं रहेगी। एक तो क्लियर कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है, और किसी के मतलब किसी भी पार्टी के नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया, नाम लेते हुए कह दिया, ना भाजपा के ना कांग्रेस के और ना किसी और पार्टी के। अब कुछ लोगों को बहुत चुभी होंगी उनकी कई बातें, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, भाजपा को छोड़ के। पहली चीज, उन्होंने ये बताया कि कैसे बाकी राज्यों से मजदूर भाग भाग के आए उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्यों? क्योंकि बाकी राज्य सक्षम नहीं थे या फिर उन्होंने उनको वो सुविधाएं नहीं दी। वो बात बहुत चुभ रही होगी लोगों को, लेकिन एक अपोजिशन के नेता ने बोली, तो उन लोगों को लगा कि ये एक्सेप्टेंस कहाँ से आया भाई हमारे गुट के एक आदमी में, लेकिन खैर किया, अच्छी बात है और यही फैक्ट भी था, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा और जनता सोचेगी कि इतना इनकेपेबल आदमी है, हम उसको वोट क्यों करें, अपना CM क्यों बनाएं। तो खैर मैडम पावर में नहीं है, उन्होंने बोला अच्छा किया, और देखा जाए तो ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। उन्होंने कांग्रेस पर बहुत बड़ा एक हमला किया, मैं आपको सारे क्लिप्स भी दिखाता जा रहा हूँ साइड में। उन्होंने कहा कि आज देश में गरीबों की हालत क्यों ऐसी है, बसपा क्यों बनी, एग्जिस्टेंस में क्यों आई, क्योंकि कांग्रेस ने देश की इतनी दुर्दशा की हुई थी, इतने गरीबों को गरीब रहने दिया, उनको कोई समर्थन नहीं दिया, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, मतलब आप उनके मुंह से सुनिए ज़्यादा अच्छा लगेगा। कि BSP बनी किसकी वजह से थी, कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने यदि आज़ादी के बाद ईमानदारी निष्ठा से काम किया होता, और जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके हितों में कार्य किया होता तो हमें BSP बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना तो उनका आरक्षण का कोटा इन्होंने पूरा किया और ना ही इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। और मैं चाहता हूँ अगर कोई कांग्रेसी, कोई सपा बसपा वाला भी चलो ठीक है, अपने विचार प्रकट करें, अपनी आइडियोलॉजी वाली पार्टी के विचार प्रकट करें कि अब मायावती के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या वो तुरंत डिसोन कर देंगे, क्योंकि करते हैं वो, तुरंत डिसोन करते हैं। अब एक महाशय का मैं ट्वीट दिखाना चाहता हूँ, उन्होंने शरद पवार के लिए कैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, आप खुद देखिए जब परिस्थितियाँ बदली तो आप मेंटेलिटी समझ सकते हैं कि जब भी कोई अपोजिशन का नेता भाजपा या मोदी जी की तारीफ करने लग जाए, मतलब मुझे कोई कमेंट में एक बार मुझे ये बात बता दे, बहुत अच्छे से क्लियरली बता दे, क्या जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आएगा कि ब्लेटेंटली बोल्डली बिना पार्टी के देखे देश के लिए सेना के लिए लोग एक आवाज़ में प्रधानमंत्री का, सेना का, देश का सम्मान और समर्थन कर सकते हैं एक आवाज़ में बिना आइडियोलॉजी को बीच में लाए? क्योंकि एक कॉमन पॉइंट सबके लिए है, भले सबका डिफरेंट है, पसंद नहीं आता किसी को किसी का, लेकिन सब कहते हैं कि हमारे लिए नेशनैलिटी का, नेशनलिज्म का अपनी अलग डेफिनेशन है, हम भाजपा से, संघ से, किसी से भी एक दूसरे से एग्री नहीं करते। लेकिन क्या आपकी डेफिनेशन इतनी अलग है कि आप एक पार्टी देश बेचना चाहती है और एक देश बचाना चाहती है? इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं हो सकता ना। कहने के लिए तो सब कैमरे के सामने यही कहते हैं ना कि हम देश को इस तरीके से हैंडल कर लेते, अगर हम होते तो ऐसे बचाते, ऐसे टैकल करते। तो अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप उसके पीछे क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ नहीं, आप सिर्फ आज के डेट में क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो जो आपके हाथ में है, जिससे देश मजबूत होगा, जिससे देश की छवि विदेशों में अच्छी जाएगी, तो आप वही करिए। क्राइसिस के समय में एटलीस्ट अपना वो रूप दिखाइए जो आप तब दिखा सकते हैं और बढ़ चढ़ के जब आप सत्ता में होते हैं। लेकिन आप हर जगह अपना वो डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं
जो आपके रगों में बसा है। खैर, मायावती जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे और सभ्य शब्दों में कांग्रेस को एक्सपोज करके रख दिया, डायरेक्टली बोलूँ ब्लेटेंटली बोलूँ तो धोखे रख दिया। और उन लोगों को ये बहुत बड़ा नाइटमेयर है जो कि बहुत दिन तक नहीं जाने वाला है। खैर, मैं चाहता हूँ आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट में बताइए। वीडियो चला गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।